ये देखिए ये सारे फूलों वाली टहनियों को मैं उड़ाने वाली हूँ। ये देखिए ये कटर मेरे हाथ में है, ये देखिए, तो इनकी मैं हार्ड प्रूनिंग करने वाली हूँ। इसके लिए मैं लेट हो गई थी, पर कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा, अभी भी टाइम है। ये देखिए ये सारे टहनियों को मैं कट कर दूँगी। ये देखिए मैं यहाँ बैठे बैठे चेयर पे ये टमाटर वाले प्लांट की थोड़ी कटाई छटाई की, पत्तियाँ इसकी थोड़ी कम कर दी, और बिल्कुल झुक सा गया था तो ये राड लगा के मैंने बांधा है। ये करेला है, ये छोटे साइज का ही करेला है, देखिए इससे बड़ा नहीं होता ये, ये लगे हैं तो, पर इसको ठीक से देखभाल नहीं मिल पाई, मैं नहीं थी तो। अब ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ा सा इसकी मिट्टी में खाद वगैरह मिला दूँ, गोबर खाद, और अब लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डालूँगी इसमें घर से निकले ही। ये देखिए फ्रेंड, ये इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स को मैंने हटा दिया, बहुत तकलीफ़ हो रही थी। हाँ बढ़िया, ये देखिए ये मल्टी पेटल वाले भी बहुत अच्छे से खिल रहे थे। ये देखिए मैंने पूरी प्रूनिंग कर दी, पूरे प्रॉपर तरीके से काम भले नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जितना कर पा रही हूँ उतना तो कर देना चाहिए, कटिंग तो कर ही सकती हूँ मैं खड़े खड़े, और मिट्टी की थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करके मैं इनमें खाद भी दे दूँगी। काउडंक मेरे पास होते ही हैं, सब कुछ मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, पर बता दे रही हूँ कि इनमें किनारे किनारे मैं काउडंक का या सब्जी के छिलकों को भी आप बिल्कुल सूखा करके क्रश करके इनके किनारे किनारे थोड़े थोड़े इसका मिट्टी हटा के 1-2 इंच तक जड़ से थोड़ा दूर आप गमलों में दे सकते हो, और उसके ऊपर फिर से मिट्टी से उसको आप कवर कर दीजिए, और थोड़ा थोड़ा हल्दी पाउडर या राख मिला दीजिए। दोनों ही पौधों के लिए रामबाण है, वो फ़ायदा ही करेंगे, फंगस नहीं लगने देंगे, तो यही मैं कर दूँगी। काफ़ी हद तक ये देखिए ये मेरा खाली खाली सा लग रहा है गार्डन, कोई बात नहीं, उसके बाद तो फिर से भर जाएगा। देखिए 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 पिटूनिया, ये देखिए पिंक वाला ये टिकोमा, इधर धूप के साइड था तो ये खिलना बंद हो गया था, और इधर रखी खिलने लगा, और ये पॉइंसेटिया, ये हैंगिंग वाला एक मेरा, उसमें मैं उसको बडालिया वाला प्लांट जो है वो सूख गया था, तो उसमें मैं कुछ नया लगाऊंगी, सोच रही हूँ टर्टल वाइन लगा दूँ उसमें। ये देखिए हिबिस्कस के प्लांट मेरे पास बहुत हैं, इधर बोगनविला पे तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, ना इनकी प्रूनिंग की है, ना ही इनमें कोई खाद दिया है, ना रिपोर्टिंग की है, तभी भी चल रहे हैं। देखिए तो बोलते हैं जब जागो तब सवेरा, और पूरा ना सही, थोड़ा थोड़ा ही सही, जितना हो पाए उतना तो कर दो, तो मैं वही कर रही हूँ कि प्रॉपर तरीके से मैं गमले से प्लांट को खाली करके और उनकी रिपोर्टिंग नहीं कर पा रही हूँ, तो कोई बात नहीं। ये देखिए कितने बड़े बड़े टमाटर, पर प्रूनिंग भी कर दूँगी तो ये संभल जाएंगे और बहुत अच्छे से खिलेंगे, और वैसे भी मेरे पॉट की मिट्टी बहुत अच्छी होती है, पर जब जागो तब सवेरा कहने का ये भी मतलब नहीं है कि आप मई जून में प्रूनिंग करना स्टार्ट कर दें, नहीं नहीं, फरवरी महीना सबसे बेस्ट महीना होता है प्लांट्स की प्रूनिंग के लिए, और फरवरी में मैं नहीं कर पाई तो आप मार्च में भी कर सकते हो, अभी भी टाइम है। वैसे हमारे यहाँ टाइम जा ही चुका है क्योंकि बहुत गर्मी है, लेकिन मैंने तभी भी कर दिया कि अभी भी टाइम है थोड़ा सा, फिर नहीं करना है, तेज़ धूप हो जाए उसके बाद नहीं करनी है, और ये 2 महीना पौधों के ग्रोइंग के लिए बहुत अच्छा ये टाइम होता है।
वो खुद ही अपने आप में उत्सुक होते हैं, एक्साइटेड होते हैं न्यू न्यू ग्रोथ के लिए, और थोड़ी सी इनको हेल्प मिल जाए तो और भी अच्छी तरीके से ये बिल्कुल खुल के ग्रोथ करने लगते हैं। तो हमको बस यही करना है। तो ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, सपोर्ट करें। बाकी ध्यान रखें अपना और अपनों का ढेर सारा। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और अपने अपने फेवरेट कामों में व्यस्त रहें। ओके फ्रेंड, बाय।